डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस एंड चार्ज प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ N3- आयन, यानी कि नाइट्राइड आयन में आपको ये बताना है। N3- को आप क्या कहते हो? नाइट्राइड। क्या कहते हो? नाइट्राइड। तो नाइट्राइड आयन आपको बताने हैं कि भाई 4.2 ग्राम में कितने नाइट्राइड आयन हैं और कितना चार्ज है। ठीक है ना? सही। तो देखिए, आपको आयंस अगर आपको बताने हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे N3- के, तो क्या आएगा? वेट बाई आएगा एटॉमिक वेट। ठीक है ना? वेट कितना दिया? वेट कितना दिया? 4.2 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना दिया? 14। वैल्यू आ जाएगी 0.3 मोल आ जाएगी। 0.3 मोल N3- आयन, इसका मतलब 0.3 Na जो होगा वो N3- आयन आ जाएगा। तो पहला तो आंसर मेरे पास आ गया कि 0.3 Na N3- आयन होगा। अब एक बात जरा देखो कि यहाँ पे चार्ज पूछ रहा है, तो भाई चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो आप चार्ज यहाँ पर देख लीजिए, तो चार्ज जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.3 Na, तो N3- है, इक्वल टू हो जाएगा 0.3 Na इंटू 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है ना? बात समझे ना भाई? 0.3 Na इंटू 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो 0.3 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23 इंटू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है ना? इस वैल्यू को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आती है 8.47 इंटू 10^4 कूलाम। ये वैल्यू जो है वो 8.47 इंटू 10^4 कूलाम आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।